Yeah, this is triple chase event, 3000 meter, in which you have to jump the hurdles and water jump. Total 35 आपकी इसमें jumps होती हैं, ठीक है? ये question आपको जब start हुआ था ना, कौन बनेगा करोड़पति? ये 50 lakhs का question था. What is triple chase event? तो आप देख लो कितना important है. ये एक सिर्फ एक ऐसी race है जहां आपने water jump को वाटर को पे से जंप करना होता है, ठीक है? ये एक बना होगा हर्डल, इसके ऊपर आप अपना स्टेप इन करोगे और जंप करोगे वाटर पे, और यहां से फिर अगेन हर्डल से फिर अगेन यू कम बैक, ठीक है? सेम आपका ये एरिया होता है 20 मीटर बैटन एक्सचेंज जोन. जब हम रिले रेस करते हैं, ये लिख लो, व्हाट इज द बैटन एक्सचेंज जोन? It is a 20 meter distance in relay races. Relay race, और relay race two types की होती है, 4 × 100 meters, 4 × 400 meter. 400 में पूरा राउंड लगाओगे, 4 × 100 में 100 का राउंड के बाद चेंज हो जाएगा. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, बैटन एक्सचेंज जोन, दैट इज 20 मीटर्स. इन बिटवीन यू हैव टू एक्सचेंज योर बैटन, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड. अगर आप इससे पहले कर लेते हो, इसके बाद में करते हो 20 मीटर्स के जोन में, तो देन योर टीम इज डिस्क्वालिफाइड, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज या डिस्टेंस ऑफ बैटन एक्सचेंज जोन, ठीक है? 4 × 400 and 4 × 100 meter, इसमें दो चीजें मेन आपको होता है. 4 × 400 meter में आगे लिख लो आप विजुअल टेक्निक. बैटन एक्सचेंज करने की जो टेक्निक होती है दो तरह से होती है, टू टाइप्स, एक विजुअल एंड नॉन विजुअल. विजुअल, व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल? विजुअल मीन्स की जो आप देख के करते हो. सपोज आई एम रनिंग, ठीक है, मैं यहां से भाग रहा हूं, 400 मीटर का डिस्टेंस ज्यादा होता है तो मैं पीछे देख सकता हूं ऐसे, ठीक है? राइट हैंड ऑपोजिट का लेफ्ट हैंड, मैं राइट हैंड से ऐसे क्रॉस, क्योंकि हम भागते हैं ऐसे, रनिंग करते हैं ना, तो हमारा हैंड ऐसे होगा, उसका ऐसे होगा पीछे, ठीक है? ओपोनेंट होता है, अगर आप सीधे फेंकोगे तो चांसेस ऑफ बैटन गिरने के बहुत होते हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा फाउल होते हैं. फाउल क्या, बैटन गिर गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया. जितनी देर में उठाओगे उतनी देर में आगे वाला आपको 15-20 मीटर का डिस्टेंस दे देगा, ठीक है? तो बैटन एक्सचेंज टू टाइप्स, विजुअल एंड नॉन विजुअल. विजुअल इन 4 × 400 meter एंड नॉन विजुअल इन 4 × 100 meter. 4 × 100 meter में क्या होता है, जब आप देखते हो सामने से आपका पार्टनर आ रहा है, टीम के प्लेयर भाग के आ रहे हैं, तो आप ऐसे पीछे देख के देन यू स्टार्ट रनिंग, पीछे नहीं देखते हो आप. 4 × 100 meter में आप पीछे नहीं देखते हो, अदरवाइज फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का टाइम भी बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है. आप सिर्फ पीछे अपना हैंड करके भागते रहोगे, वही टेक्निक मेन होती है, उसकी प्रैक्टिस बहुत करते हैं वो, अदरवाइज वो गिर जाता है या आपने सही उसको नहीं पड़ा, प्रॉपर ग्रिपिंग हुआ, तो ये नॉन विजुअल होता है, इसको आपने भाग के ही प्रैक्टिस करनी, पीछे नहीं देखना होता, ठीक है? ये सारी रेसिस होगी, फिर इसके बाद आपका वॉकिंग का भी इसमें होता है डिस्टेंस. मैराथन लिखो, मैराथन रेस 42.195 or 96 किलोमीटर, 26 miles और 42.1956, हाँ, मैराथन रेस. इसमें एक हाफ मैराथन भी होती है, ठीक है? ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो वो हाफ मैराथन भी समटाइम्स अवेयरनेस, आपने देखा होगा कि लोगों में एक अवेयरनेस के लिए कोई जैसे डिजीज होगी है, कोई आपका आप कह लो भी एनवायरमेंटल में कोई ऐसा, जैसे सुनामी आपका आया था, ठीक है? वहां पे लोगों को क्या करना है, उनको लोगों को उसके बारे में बताना है आपने. 42.195. Then there is a walking, 50 किलोमीटर walking, 20 किलोमीटर walking event. ठीक है, walking उसमें क्या होता है, उसमें आपका
ग्राउंड से कांटेक्ट। हाँ इसमें एक बेटा ट्रैक एंड फील्ड की, फील्ड की डेफिनेशन लिखी। चलो अभी ट्रैक का पूरा कर लो। ट्रैक में ऑल द रेसेस जो मैंने आपको बताई है, देन मैराथन रेसेस, देन वॉकिंग। वॉकिंग का भी एक इवेंट होता है। आपके इंडिया से मिस्टर चांदगी राम इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन एशियाड 82 वॉकर, ठीक है। उसमें वॉकिंग में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग एंड रनिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग एंड रनिंग? सिंपल है, व्हाइल यू आर वॉकिंग देयर इज कंटिन्यूअसली कॉन्टेक्ट ऑफ योर फीट विद ग्राउंड। ये डेफिनेशन लिख लो, व्हाइल वॉकिंग देयर इज कंटिन्यूअसली कॉन्टेक्ट ऑफ योर फीट विद ग्राउंड। अब मैं वॉक कर रहा हूं तो मेरा एक पैर क्या है, ग्राउंड में, ये मैं वॉक कर रहा हूं, ये वॉक कर रहा हूं। बट इन रनिंग द कॉन्टेक्ट इज ब्रोकन फॉर फ्यू सेकेंड। समझ आ गई बात? जब हम रनिंग करते हैं तो आपके दोनों पैर एयर में होते हैं कुछ टाइम के लिए। सिंपल है। तो ये इवेंट जो आपका वॉकिंग का होता है, उसमें वो आप ऐसे बैंड करके नहीं ज्यादा चल सकते हो। वो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे उनकी वॉक, नेट पे देखना जरा, उनका जो चलने का तरीका ही वो एंटायरली डिफरेंट होगा। और उसमें वो देखते हैं आपके फिट की मूवमेंट। अगर आपने हल्का सा भी रनिंग की कोशिश की, आप बाहर हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और ये भी बहुत टफ इवेंट होता है। इसके लिए आपको, अब जिस बंदे ने 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की वॉकिंग करनी, तो आप देख लो उसके लिए प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ेगी। और वो भी डेली, ये नहीं कि आज कर ली और सो गए, चार दिन बाद फिर चल गए, दो दिन बाद फिर चल गए। दैट इज अ डेली रूटीन में आपको काम करना होता है। बहुत मैराथन जितने भी आपके रेस वाले होते हैं सारे, ये बच्चे ये क्या आप पॉकेट में डाल के रखते हो? 500 प्लस ऑफिस में जाना पड़ेगा, नहीं निकालना क्लास में, ठीक है। दिस इज क्लियर रिगार्डिंग ट्रैक एंड व्हाट इज फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट आर दोज इवेंट इन विच वी फाइट अगेंस्ट डिस्टेंस एंड हाइट। डिस्टेंस हम किस में करते हैं, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, जितनी आपकी थ्रो होगी, और जो हाइट वाला काम होता है, हाई जंप, देन और कौन सा होता है? पहले लिखो ऑल द थ्रोज, जेवलियन थ्रो, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट, जेवलियन थ्रो, डिस्कस, हैमर, शॉर्ट पुट। व्हाई वी कॉल शॉर्ट पुट नॉट थ्रो? व्हाई वी कॉल दिस इवेंट शॉर्ट पुट? बाकी सारे इवेंट को हम डिस्कस थ्रो, जेवलियन थ्रो, हैमर थ्रो, बट इन द केस ऑफ शॉर्ट पुट, उसको हम पुट, पुटिंग। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वाइवा में, आपको बोर्ड के क्वेश्चन में भी ये बहुत पूछेंगे। सोचो कुछ, whenever we are releasing any obstacle behind our shoulder, that is throwing. हम किसी भी चीज को अगर हमने रिलीज करना है obstacle को, और हम ऐसे फेंकते हैं, उसको पकड़ेंगे, पीछे लेके जाएंगे आर्म्स को, फिर उसको फेंकेंगे,
ये जेवलियन पीछे गया फेंका, हैमर थ्रो ऐसे घुमा के फेंकते, ठीक है। डिस्कस उसको भी आप यहाँ पे रखें, पूरा घुमाते हैं ऐसे करके राउंड में लेते हैं और फिर ऐसे रिलीज करते हैं। बट इन द केस ऑफ शॉर्ट पुट वी रिलीज दिस फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन। अगर आपकी आर्म पीछे चल जाएगी देन इट इज ए फाउल, ठीक है। स्टेशनरी पोजिशन से हम इसको रिलीज करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस पुटिंग। पुट करते हैं हम उसको स्टेशनरी पोजिशन से, रिलीज करते हैं, इसीलिए हम इसको शॉर्ट पुट करते हैं, थ्रो नहीं करते हैं। थ्रो के लिए हमको अपनी आर्म्स को पीछे शोल्डर से ले आना पड़ता है। हम बॉल को थ्रो करते हैं आर्म्स पीछे ले आते हैं ना, किसी को ऐसे पकड़ा ऐसे करके देखा फेंकते हुए, वो ऐसे गिर जाएगी यहाँ पे। शोल्डर के पीछे से जब हम लेके रिलीज करते हैं उसको, दैट इज थ्रोइंग। फास्ट बॉलर ऐसे आता है ऐसे बॉल फेंकता है, बट व्हेन ही कम्स हियर एंड बेंड द एल्बोज फ्रॉम हियर एंड देन ही रिलीज द बॉल, देन इट इज अ चकिंग, जिसको हम बोलते हैं थ्रोइंग द बॉल। जब आपने बेंड कर लिया फिर उसको रिलीज किया, इट मीन्स यू आर चकिंग। इन द केस ऑफ हरभजन यू हैव सीन, उनको मुरलीधरन को, बहुत से ऐसे बॉलर हैं आपके जो फास्ट बॉलर है, वो बीच में 3, 4, 5, 6 ओवर के बाद में एक बॉल वो ऐसे बेंड करके फेंकते हैं, वो जज भी नहीं होती है और ना आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अगर आप हर ओवर में एक दो बॉल ऐसी फेंक रहे हो, देन इट इज अ, सारे उसको देख लेते हैं, जज कर लेते हैं, आप पे ऑब्जेक्शन होगा। बट इफ यू आर इन अ 5, 6, 8 स्पेल में एक आधी बॉल फेंकते हो, कोई जज नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसका उसको उसमें आपको 15 डिग्री एंगल का रिलीज देखते हो। आपने ये बॉल की यहां से इसको ये बेंड किया, बेंड करके आप रुक गए हो, तो जो बैट्समैन है वो डिसीव, उसको डिसीव करना इजी होता है बॉलर को। और जो फास्ट बॉलर है जब ऐसे बेंड करेंगे तो वो स्पीड ज्यादा निकलेगी। जैसे हम किसी चीज को ऐसे करके फेंकेंगे बड़ी तेज निकलेगी, और एक आप पूरे एक एक्शन में फेंक रहे हो, ठीक है। तो वहां पे कैमरेज लगे होते हैं 15, 16, उस पर वो पूरा एंगल देखते हैं। बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एम्पायर्स टू गिव दैट बॉल राइट और रॉन्ग, ठीक है। उसके पास तो आईज है ना, कैमरे तो है नहीं, मोरोवर वो ऐसे खड़ा होता है। अब वो ऐसे करके उसके पहले बॉलर बॉलिंग एक्शन को तो नहीं देखेगा पूरा, वो बैट्समैन ऑब्जेक्शन करेगा, फिर वो लेग एम्पायर देखेगा, वो देखेगा, उसने उसका नो बॉल भी देखनी है, तो वो सारा। फिर जब मॉनिटर उसको उनके एक्शन को करते हैं बाद में, सपोज आप पे ऑब्जेक्शन हो गया, आपको वहां पे वार्निंग दे देंगे, फिर आपकी पूरी वीडियोस देखेंगे, पूरी वीडियोस देखेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि आप चकिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम शॉर्ट पुट को शॉर्ट पुट क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक स्टेशनरी शोल्डर लेवल पे हम इसको रखते हैं, वहीं से उसको रिलीज करते हैं। शोल्डर से अगर पीछे हम शॉर्ट पुट को ऐसे लेके फेंकेंगे ऐसे, देन इट इज ए फाउल, सिंपल है, ठीक है। फिर आपका हाई जंप आ गया, हाई जंप लिख लो इसमें, इवेंट, पोल वॉल्ट, ट्रिपल जंप, ये आपके फील्ड इवेंट्स हो गए। ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट, पोल वॉल्ट, POLEVALT, पोल वॉल्ट। एक स्टिक होती है बड़ी लंबी सी बैम्बूज की, जिसको हम बोलते हैं फाइबर की, अब तो शुरू हो गई है, पहले वो ऐसे ही होती थी। उसको आपने लेके भागना है, उसको डाउनवर्ड वहां स्पॉट बना होता है, वहां पे आपने उसको फिक्स करना है और उसको है। हाँ, और ये भी सबसे डिफिकल्ट आपका इवेंट होता है, इसके आपको कोई क्वालिफाइड कोचेज ही नहीं मिलते हैं। अब तो मे भी है, बट जब हम लोग खेलते थे एट दैट टाइम देर इज नो क्वालिफाइड कोचेज एट दैट टाइम, 25 years जब हम लोगों ने NIS किए 91 में फ्रॉम गांधीनगर, तो एट दैट टाइम वहाँ पे एक लड़का था, वो ट्राइबल बैट से लेके आए थे, उसको ही यूज टू डू दैट पर्टिकुलर इवेंट विदाउट एनी कोच, वो बेचारा अपने आप ही लगा होता था। इसमें सबसे मोर डेंजरस क्या काम है, ये सपोज आपका क्रैश मैट है, आपने यहाँ से जंप किया, सपोज आप इस क्रैश मैट से कहीं साइड पे गिर गए हो, इधर उधर या इधर, क्योंकि आपकी लैंडिंग ऐसे होती है,
पूरी बैक पे लैंडिंग होती है और इसमें चांसेस ऑफ थ्रू आउट बेड, अगर आपकी बैक में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, अगर इंजरीज हो गई है। अभी आपने देखा होगा एक बहुत अच्छा जिमनास्ट था इंडिया का, लैंडिंग के टाइम में वो नेक के ऊपर उसकी लैंडिंग होगी, इंटरनेशनल जिमनास्ट। जब आप लैंड करते हो, जो लैंडिंग में कई बार आपका फुटवर्क गलत हो गया, लैंडिंग गलत नहीं, वो नेक के ऊपर लैंड कर गया और थ्रू आउट वो बेड पे ही है। क्योंकि जब ये चीज आपकी इंजरी हो गई है तब सारी आपकी मूवमेंट नहीं होती। तो ये पोल वॉल्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस, मतलब बहुत इसको आपको प्रिकॉशंस के साथ, आपने इतने मीटर ऊपर से नीचे गिरना है और वो स्टिक को बैलेंस बनाना है। स्टिक से ही अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर को निकल गए तो आप मैट से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। पूरे ग्राउंड में तो मैट लगा नहीं होता है। सेम इन द केस ऑफ हाई जंप, हाई जंप भी वही लोग करते हैं जिनके स्कूल में आपके मैट होगा, क्रैश मैट। अदरवाइज अगर आप मिट्टी पे करोगे तो आपको वही सेम, क्योंकि अब जो हाई जंप की टेक्निक है वो भी सारी चेंज होगी, ठीक है। आगे हम क्या करते थे, ऐसे भाग के आना है, ये जैसे आपका क्रॉस बार है, ठीक है। यहां से हमने एक लेग को क्रॉस किया, फिर दूसरी को क्रॉस किया, जिसको हम बोलते हैं सीजर कट। ये भागते हुए आए, ये लेग किया, दूसरी लेग की चले गए। और दूसरा एक टेक्निक आपकी यूज होती थी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेडर रोल। स्ट्रेडर रोल मींस कि जब आप हॉर्स राइडिंग करते हो, जब आप घोड़े के ऊपर एक पैर रख के दूसरा पैर ऊपर रख के बैठते हो, ठीक है, दैट इज स्ट्रेडर रोल। वो टेक्निक ऐसे भाग के आना है, एक लेग को हमने ऊपर से रोल करना है, बॉडी रोल करके चले गए, ठीक है। स्टार्टिंग में आपकी ये टेक्निक दोनों यूज होती थी, स्ट्रेडर रोल एंड सीजर कट। बट नाउअडेज देयर इज ए वन एथलीट फॉस बेरी फ्लॉप, उसने क्या किया, वो भागते हुए आया, भाग के उसने पहले आर्म्स को ऊपर ले गया, हेड को, बॉडी को लेके फिर नीचे गिरा। उसके नाम पे ये टेक्निक बन गई फॉस बेरी फ्लॉप। अब जितने भी आपके हाई जंपर्स हैं, आपने देखा होगा 7, 8, 10 स्टेप से आते हैं, टेक ऑफ करते हैं, ऐसे ऐसे करके आर्म्स को ऊपर लेके जाते हैं, बॉडी का आर्क बनाते हैं पूरा। बॉडी का जब आर्क बन गया, ये आपकी बॉडी का ये आर्क बन गया, ये क्रॉस बार है, तो ये आर्क बन गया तो आपको डिस्टेंस ज्यादा लेने में इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर हम सीधे जाते हैं तो टच करने के चांस होते हैं, जब बॉडी का पूरा आर्क बन गया हुआ है तो वो बीच वाला डिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये फॉस बेरी फ्लॉप उसके नाम पे टेक्निक शुरू होगी। अगर इसमें भी अगर आपके पास मैट नहीं अच्छा होगा, नीचे चांसेस ऑफ इंजरीज आ दिया, ठीक है, तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखनी होती है, क्योंकि आपने ऐसे बैक के सारे पीछे गिरना होता है। ये मैट देखा है आपने स्पोर्ट्स रूम में, देखा है क्रैश मैट, ये मैट होता है पूरा, ये क्रैश मैट होता है, इसको पूरा डालते हैं। स्टार्टिंग में हमारे स्कूल में बहुत अच्छे हाई जंपर होते थे, जैसे तू है ना एथलेटिक का, ऐसे एक लड़का आया था इज इन प्लस वन, उसको यहाँ पे हमने कोई 6 महीने उसको मैंने करवाया, एंड इन क्लस्टर ही गॉट द सिल्वर मेडल, फर्स्ट टाइम हाई जंप किया उसने यहाँ पे इसी मैट पे, एंड नेक्स्ट ईयर ही गॉट सिल्वर मेडल इन नेशनल, इन CBSE नेशनल, ऑल द स्कूल ऑफ गल्फ एंड इंडिया। उसको डेली मैंने शाम को सुबह आते ही प्रैक्टिस करानी है। फर्स्ट टाइम उसने हाई जंप किया था यहाँ स्कूल में, फिर 2-3 गर्ल्स थी उनका क्लस्टर में, क्लस्टर होता है ऑल द रीजन ऑफ योर पंजाब, सम एरिया ऑफ J&K या सम टाइम हरियाणा, ऐसे उन्होंने क्लस्टर बांटे हुए हैं CBSE ने, तो सारे आपके स्कूल आते हैं, तो उनके क्लस्टर लेवल पे मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। वो लड़का नेशनल में सिल्वर मेडल लेके आया था, एंड आफ्टर दैट ही ज्वाइन दिस लवली इंस्टीट्यूट, वहां पे वो यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में वहां उसके बहुत मेडल आया हाई जंप। तो वो टेक्निक पता होनी चाहिए, अगर हमको पता थी, ठीक है, तो हमने उनको बच्चों को वो टेक्निक करवाई, वो फॉस बेरी फ्लॉप करता था। सेम आपका साइकिलिंग है इन लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में क्या, 2.5 स्टेप, जिसको हम बोलते हैं हिच किक, सेल टेक्निक। एयर में आपने जाना है, एयर में आपने एयर को पीछे करना है, लेग से आर्म्स को आगे, बॉडी को आगे करना है, उसको हम बोलते हैं साइकिलिंग। और वर्ल्ड के जितने भी आपके जो 7, 6, and 5 से ऊपर करते हैं वो लोग ये टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक बहुत ही पॉपुलर है,
इसके आगे आप लिखो नेक्स्ट, हाउ मेनी लेन्स इन स्टैंडर्ड ट्रैक, सबसे मेन आपका ये क्वेश्चन होगा, 8 लेन्स इन स्टैंडर्ड ट्रैक, जो आपका एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ स्टैंडर्ड ट्रैक, दैट इज 400 मीटर्स, जो आपका स्टैंडर्ड ट्रैक होता है वो 400 मीटर का होता है, 8 लेन्स 1.2225 उसका मीटर डिस्टेंस होता है लेन टू लेन, जो एक लेन है आपका इसका डिस्टेंस, इसका विड्थ 1.22 से 1.25, हाँ विड्थ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेन एंड लाइन, कैसे लिखोगे आप इंग्लिश में, हाउ यू राइट, व्हाट इज लेन एंड लाइन, मीटर, लेन इज ए पाथ इन विच, एंड लाइन इज डिवाइड द लेन इनटू टू पार्ट, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको सब पूछने बाद में वाइबा, आपको इसीलिए लिखा रहे हैं, बाद में आप बोलोगे ये बुक में नहीं है जी, हमने पढ़े नहीं है, व्हाट इज वॉकिंग, व्हाट इज रनिंग, ठीक है, व्हाट इज शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट के मैक्सिमम ये आपको आंसर्स रॉन्ग आते हैं, फिर व्हाई वी आर रनिंग एंटी क्लॉक वाइज, ये ऐसे रनिंग होती है ट्रैक में, ऐसे रनिंग कोई नहीं करता है क्लॉक वाइज, व्हाई, वर्ल्ड में कहीं पे भी आप चल जाओ, ऑलवेज एथलीट दे आर रनिंग दिस एंटी क्लॉक वाइज, एयर यहाँ पे है तो इंग्लैंड में चल जाएगा, वहां एयर उधर होगी है, यूएसए चल जाएगा कुछ और होगी है, रशिया चल जाएगा कुछ और आ जाएगी, बट रनिंग ऐसी ही होगी, सिंपल है, आप जब साइकिल चलाते हो या स्कूटर या मोटरसाइकिल, जब आप टर्न करते हो, ऐसे टर्न करना आपको इजी लगता है कि ऐसे लेफ्ट साइड को इजी लगता है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है ना, ये तो पता है आपको, लेफ्ट साइड को हम टर्न करते हैं हमको बड़ा इजी लगता है, बिकॉज वी All maximum right-handed, ठीक है, first, next centripetal and centrifugal forces apply करती हैं आपकी इसमें, plus your center of gravity. Whenever you are running inside, your center of gravity is front of you. For that, while you are running in speed, you can maintain your balance. Balance बनाना easy होता है जब हम inside work करेंगे कोई भी. अगर हम आउटसाइड करेंगे सेंट्रीफ्यूगल सेंटर फोर्सेस पीटर फोर्सेस उस पे अप्लाई होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी आगे आ जाएगी और आपको बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेन लॉजिक इसमें होता है. सेकंड, विच लेन इज बेटर, अगर आपकी ये एक लेन है, ये आउटर लेन है, सपोज फर्स्ट लेन ये है, ये एट्थ लेन है, कौन सी लेन में आपको रनिंग करनी इजी होगी, फर्स्ट वाली पे, हाँ जी गर्ल्स, विच लेन इज बेस्ट फॉर रनिंग, फर्स्ट, और कोई, सबकी फर्स्ट है, अगर आप फर्स्ट पे रनिंग करते हो तो आपको बहुत शार्प कर्व मिलेगा, समझ गए, शार्प में क्या होगा, आपको मेंटेन रखना है अपना बैलेंस को और स्पीड को, जब आपको बहुत लिखा होता है ना शार्प कर्व, तो ड्राइवर थोड़ा स्लो हो जाता है ना, अगर आपको ये एर्थ मिलेगा तो क्या होगा, आपका ये कर्व ही खत्म नहीं हो रहा है, तो ऑलवेज इन बिटवीन थर्ड फोर्थ लेन इज बेटर, जहां पे शार्प भी नहीं होगा लॉन्ग कर्व भी नहीं होगा, ठीक है, एकदम शार्प कर्व आएगा तो आप भाग रहे हो फुल स्पीड में, तो आपको अपना बैलेंस बनाना भी जरा डिफिकल्ट होता है, वो देते हैं मर्जी से नहीं होता आपका, वहां पे सारा सिस्टम, अब आप बोलेंगे मैंने ये
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टीम्स आपके पास है, मैं बोलूं यार मैंने यहाँ खेलना है, मैंने यहाँ पे खेलना है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। देर इज ए ड्रॉ सिस्टम, पर्चियां डाल दी जाती हैं, एक पर्ची उठाएंगे यहाँ, दूसरी नीचे, तीसरी इधर, ऐसे वो आपकी किस्मत है फिर आपका मैच किससे हो जाता है। सेकंड इसमें क्या होगा, ये आपको सीडिंग दे दी है, दिस इज सीडिंग, लास्ट ईयर रनर एंड विनर टीम्स उनको अलग कर देंगे, सो दैट द इंटरेस्ट अमंग द स्पेक्टेटर्स, अगर आप पहले ही दोनों टीमों को एक जगह खिला दोगे, अच्छी टीम हार गई तो कोई स्पेक्टेटर नहीं आएगा, कोई आपको एड नहीं मिलेगी। तो वो क्या करते हैं, अच्छी टीम जो होती है लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट, विनर ऊपर रनर नीचे रख देते हैं, ताकि वो अच्छी टीम आपकी सेमीफाइनल में आके आपको वहां पे उनके मैचेस होंगे। ठीक है, लेन का हो गया आपका, लाइन का हो गया, ठीक है, और ट्रैक फील्ड हो गया, बाकी आपके एक्सरसाइज के नेम प्लस आपको योगा के, वो आपको प्रैक्टिकल में होंगे, योगा के सीटिंग स्टैंडिंग आसनास, रनिंग, स्किपिंग, सिटअप्स, पुशअप्स हो गए, एंड दैट इज अ मेडिसिन बॉल थ्रू, ये प्रैक्टिकल में सारा होगा आपको। इससे कोई क्वेश्चन आपको थ्योरी में भी आ सकते हैं जी, ये तो मैंने आपको बता ही दिए जो जो मेन मेन से टाइमिंग्स आपको बता देंगे बेटा। प्लस बेटा आपने हर डिफरेंट गेम के जो डिफरेंट टूर्नामेंट्स के नियम है आपको पता होना चाहिए, जैसे क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, दिस इज द नेशनल मेन, आपका फुटबॉल में क्या है, संतोष ट्रॉफी, पता है ड्रोरेंट कप, वर्ल्ड के कौन से हो गए, उबेर कप, बैडमिंटन के जो मेन मेन आपके टूर्नामेंट्स है उनके नेम आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको थ्योरी में आ सकते हैं। उसमें पूछा होगा कि दिस इज इंटरनेशनल लेवल है या नेशनल लेवल है, ठीक है।